वेलकम टू आइस टीचिंग। आज की वीडियो में हम साइड पे जीप लगाना सीखेंगे। तो देखिए, मैंने गाउन को ऑलरेडी रेडी कर दिया है, साड़ी में से मैंने गाउन बना दिया है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कैसे करते हैं। तो देखिए, गाउन मैंने साड़ी में से ऑलरेडी रेडी कर दिया है और ये यहाँ की साइड सीम है, ये देखिए ओपन है, और इस साइड की साइड सीम भी हमें ओपन रखनी है देखिए। और जो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो जो लेफ्ट साइड है हमारी पहनने के बाद जो लेफ्ट साइड पर आता है वहाँ पे हमें जीप लगानी है। तो यहाँ जो आर्म होल की स्टिच है वहाँ से नीचे 2 इंच, और यहाँ जो वेस्ट लाइन है वहाँ से नीचे 5 इंच तक की हमें मार्किंग करनी है। आप थोड़ा सा लंबा भी मार्किंग नीचे तक कर सकते हैं, लेकिन हमें ये यहाँ पे बीच में हमें जीप लगानी है। तो ये देखिए, मैंने दोनों तरफ इस तरह से जो हमारी साइड सीम का मार्किंग होता है वो ले लिया है, ये देखिए। और ये जो जीप है, कंसील वाली हिडन जीप है, वो हमें यहाँ पे इस तरह से लगानी है। देखिए, तो मैं इसे अभी उल्टा कर लेती हूँ। ये देखिए, हमें इस तरह से जो साइड सीम का मार्किंग है वो हमारी जो साइड स्टिच होती है वहाँ पे मार्किंग कर लेना है। और देखिए, मैंने यहाँ तक जो हमारा अस्तर होता है, जो लाइनिंग होता है, वो यहाँ तक फिक्स कर लिया है। ये देखिए, यहाँ तक मैंने लाइनिंग को फिक्स कर लिया है। और यहाँ पे हमें राइट साइड के ऊपर हमें जिप को स्टिच करना है। तो हमें राइट साइड के ऊपर भी जो हमारी जो साइड सीम का मार्किंग है वो यहाँ पे इस तरह से ले लेना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वो जो आर्म होल की जो स्टिच होती है वहाँ से 2 इंच नीचे से हमें स्टार्ट करना होता है, और कमर से नीचे 5 इंच तक तो हमें इसे स्टिच करना ही है। आप इसे लंबा भी थोड़ा स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमें इस तरह से रखना है, और जो यहाँ की जो है वो यहाँ पे आएगी, और इस साइड वाली इस साइड पे जिप आएगी। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे स्टिच करना है। पूरा जो हमारा मार्किंग है उसी पे हमें स्टिच करना है। मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, पहले सबसे पहले हमें जो हमारा फुट है वो चेंज करना है। हमें सिंगल फुट लेना है, तो आपको भी सिंगल फुट इस तरह से पहले लगा लेना है। अब आप देखिए, यहाँ पे हमारा मार्किंग है, और ये देखिए ये राइट साइड है जिप की। तो इस तरह से हमें खोलनी है, और जो ये वाली साइड है वो इस साइड पे आएगा। इस तरह से हमें इसे पहले इस तरह से ले लेना है हाथों में, और यहाँ से हमें अभी स्टिच स्टार्ट करनी है। देखिए, जो मैंने पकड़ा था हाथों से उसी पे अभी हम यहाँ पे स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और जहाँ पे हमने 2 इंच नीचे मार्किंग की थी वहीं से हमें स्टिचिंग को स्टार्ट करना है। जो हमारा ये मार्किंग है ये वहाँ से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है। जो जीपर के ऊपर तीत होता है वहाँ हमें इससे स्टार्ट करना है। ये देखिए, यहाँ पे बैक टैक करके स्टार्ट करेंगे, और इस तरह से हम इसे थोड़ा थोड़ा ओपन करके सिलते जाएंगे। जो हमारी मार्किंग है उसी के ऊपर हम स्टिच कर रहे हैं, और ये स्टिचिंग हम फैब्रिक की राइट साइड के ऊपर करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम जहाँ तक हमने मार्किंग किया है वहाँ तक हमें स्टिच करना है, और थोड़ा सा जीपर का तीत जो है हमें खोलते जाना है, और यहाँ पे भी हम बैक टैक करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जहाँ तक हमने मार्किंग किया है वहाँ तक ही हमें सिलना है। ये देखिए, हमने इसे स्टिच कर लिया है, जो भी एक्स्ट्रा धागे हैं कट कर लेंगे। अब इसे हम क्लोज कर लेंगे और हम मार्किंग ले लेंगे। जो मार्किंग है वो हमें इस तरफ फिर जिप पे ले लेनी है। ये मिडल की मार्किंग है वेस्ट की, ये ऊपर टॉप की मार्किंग है, और ये जो नीचे तक जो सिलना है वहाँ तक की हमें मार्किंग इस तरह से ले लेनी है। अब देखिए, इस तरह से वापस हमें रखना है, और मार्किंग को जो हमने किया है उसे एक बार चेक कर लेना है कि वो उसी जगह पे आ रही है कि नहीं मार्किंग। ये देखिए, इस तरह से हम वापस एक बार मार्किंग को
इस साइड पे भी ले लेंगे। ये देखिए यहाँ टॉप की मार्किंग टॉप के साथ आनी चाहिए इस तरह से। ये देखिए मिडल की मार्किंग मिडल में आनी चाहिए इस तरह से, और जो नीचे की मार्किंग है वो नीचे के साथ एकदम मैच होनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से यहाँ टॉप की मार्किंग भी कर लेंगे। अभी हमें इसे ओपन कर लेना है और इस साइड वाला जो है वो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे स्टिचिंग करना, क्योंकि हमारा सिंगल फुट है तो अभी हमें नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। सिर्फ हमें मार्किंग के साथ मार्किंग को लेना है। ये देखिए अब अभी हम यहाँ नीचे से स्टार्ट करेंगे, जो मार्किंग है जिप की उसके यहाँ पे इस तरह से मैच करेंगे, और यहाँ से अभी हम स्टार्ट करेंगे बैक टक करके स्टार्ट करेंगे। उसी मार्किंग के ऊपर से हमें स्टार्ट करना है, और जिपर का तीत हमें थोड़ा थोड़ा खोलते जाना है और स्टिच करते हुए जाना है। ये देखिए इस तरह से, और जो मार्किंग किया है उसी के ऊपर हमारी स्टिचिंग आनी चाहिए। ये देखिए मिडल का भी मार्किंग मिडल में आ गया है, वेस्ट के ऊपर थोड़ा सा ऊपर है लेकिन चलेगा इतना। देखिए इस तरह से हम तीत खोलते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे, और अब हम जब ऊपर आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए ऊपर आ गए हैं तो ऊपर की जो मार्किंग है उसके साथ वहाँ तक हमें स्टिच को करना है, और यहाँ पे बैक टैक करके एंड कर लेना है। देखिए देखिए हमारी दोनों साइड की जिप लग गई है, ये देखिए ये देखिए। अभी हम क्लोज करके आपको दिखाते हैं, ये देखिए थोड़ी सी भी जिप हमारी दिख नहीं रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ऊपर का मार्किंग मैच हो रहा है, ये देखिए नीचे का मार्किंग भी मैच हो रहा है, और ये हमारी वेस्ट लाइन भी मैचिंग हो रही है। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, चला लेंगे हम इतना, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें ऊपर से स्टिचिंग करनी है, हमें स्लीव को जॉइंट करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जहाँ तक हमने स्टिच की है, ये देखिए इस तरह से हमें रखना है, और यहाँ से यहाँ तक हमने स्टिच किया था तो इससे आधा इंच नीचे से हमें साइड सीम को स्टिच करना है। अभी हम स्लीव को स्टिच करेंगे, जिप का जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो इस तरह साइड पे ले लेंगे, और यहाँ पे बैक टैक करना है बहुत सारा, और फिर इसे इस तरह से हम स्टिच करेंगे। जो हमारा मार्किंग है स्लीव का, उस मार्किंग के ऊपर हम स्लीव को इस तरह से साइड सीम को स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से दूसरी एक और स्टिच कर लेंगे एक्स्ट्रा, अगर खोलना है तो हम खोल सकते हैं। इसी तरह से आप कुर्ती में गाउन में अम्ब्रेला फ्रॉक में साइड के ऊपर इस तरह से आप जिप लगा सकते हैं। ये देखिए इसे भी हम यहाँ तक लेके आएंगे और बैक टैक करके एंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो आप कभी भी इसे यहाँ से स्लीव को ढीला करना है तो आप खोल सकते हैं। एक्स्ट्रा धागे हमें थोड़े भी रखने नहीं हैं, ये देखिए यहाँ तक हमें स्टिच कर लिया है। अभी हमें नीचे से साइड को स्टिच करना है, ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा फिनिशिंग आया है। ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा जिप का दिखा रही हूँ, ये देखिए यहाँ पे एकदम अच्छे से हमारा जिप लग गया है। अभी हमें नीचे से साइड को फिटिंग करना है, तो ये देखिए ये हमारा अस्तर वाला गाउन है, तो अस्तर को हम अलग कर लेंगे। लेकिन कैसे करते हैं, देखिए यहाँ तक हमारी स्टिचिंग थी तो एक इंच ऊपर से आधा इंच जितना ऊपर से हमें अभी स्टिचिंग को करना है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे फुट को, ये सब हम सिंगल फुट से ही अभी करेंगे। जिप को इट साइड इस साइड ले लेंगे और यहाँ से बैक टैक करके स्टार्ट करेंगे, एक इंच जितना स्टिच करेंगे, और यहाँ से जो मेन फैब्रिक है साड़ी का उसे इस तरह से अंदर की तरफ ले लेंगे,
और अब हम सिर्फ अस्तर को ही पहले स्टिच करेंगे। इस तरह से हमें अलग कर लेना है मेन फैब्रिक को, और अब हम सिर्फ अस्तर के ऊपर ही स्टिच करेंगे। तो अभी अस्तर को हम नीचे तक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक है वो अलग अलग स्टिच होगा। तो अच्छे से फ्लेयर इससे बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए, इस तरह से हमने स्टिच कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से। अब हमें अस्तर को ऊपर कर लेना है और अब हम मेन साड़ी का जो फैब्रिक है उसके ऊपर स्टिच करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें ऊपर ले लेना है अस्तर को, और जहाँ से हमने स्टिचिंग को स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से वापस हम सुई को रखेंगे। देखिए बैक में भी हमारा अस्तर अच्छे से ऊपर हो जाना चाहिए, नहीं तो अस्तर बीच में सिल जाएगा। तो देखिए यहाँ से वापस स्टार्ट करेंगे सिलना, और अब हम सिर्फ साड़ी का ही फैब्रिक स्टिच करेंगे और इसे भी हम नीचे तक स्टिच कर लेंगे। इससे जो है वो फ्लेयर बहुत ही अच्छे से आता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ स्टिचिंग के बाद। ये देखिए, ये देखिए साइड सीम, यहाँ से हमने, ये देखिए यहाँ तक जिप है, और नीचे से हमारा अस्तर और साड़ी का फैब्रिक अलग अलग कर लिया है, लेकिन ऊपर से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए, तो हमारी जिप लग गई है। आप इसी तरह से कोई भी ड्रेस में, कुर्ती में या अम्ब्रेला फ्रॉक में इसे लगा सकते हैं। ये देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इस गाउन के ऊपर बॉर्डर अटैच करना सीखेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।